मैं असम का बेटा हूं और अगर NRC के लिए आवेदन किए बिना किसी को नागरिकता मिलती है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। ये बयान असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने दिया है। उन्होंने CA पर बोलते हुए इस्तीफा देने तक की बात कह दी। दरअसल 11 मार्च को देश भर में नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA को लागू कर दिया गया। इसके बाद से ही असम में विपक्षी पार्टियों ने विरोध प्रदर्शन और हड़ताल का ऐलान कर दिया। असम में अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन भी हुए। इसे लेकर असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने मंगलवार को कहा कि जिस किसी भी ऐसे व्यक्ति को नागरिकता मिल गई जिसने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, अंग्रेजी में कहें तो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स यानी NRC में आवेदन नहीं किया तो वो इस्तीफा देने वाले पहले व्यक्ति होंगे। असम के मुख्यमंत्री ने शिवसागर में एक कार्यक्रम में कहा, मैं असम का बेटा हूं और अगर NRC के लिए आवेदन नहीं करने वाले एक भी व्यक्ति को नागरिकता मिलती है तो मैं इस्तीफा देने वाला पहला व्यक्ति होऊंगा। CAA के बारे में कुछ भी नया नहीं है क्योंकि ये पहले लागू किया गया था। अब बस पोर्टल पर अप्लाई करने का समय आया है। पोर्टल का डेटा सब कुछ बोलेगा और ये साफ हो जाएगा कि अधिनियम का विरोध करने वालों के दावे तथ्यात्मक रूप से सही है या नहीं। CM शर्मा ने आगे कहा, CAA का समर्थन करने वाले भी असम में हैं और जो इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं वे भी यहाँ हैं। जो भी CAA का विरोध कर रहे हैं वे कोर्ट जा सकते हैं। हमारा उद्देश्य राज्य में शांति बनाए रखना है। मैं सभी से अपील करना चाहता हूँ कि वे इस दिशा में आगे बढ़ें। बता दें कि सोमवार को पूरे देश में CAA लागू किए जाने के बाद से ही असम में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा की चेतावनी के बावजूद कांग्रेस के नेतृत्व वाले 16 दलीय संयुक्त विपक्ष मंच असम ने मंगलवार को हड़ताल का ऐलान किया। साथ ही ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन ने गुवाहाटी, बारपेटा, लखीमपुर, नलबाड़ी, डिब्रूगढ़, तेजपुर सहित असम के अलग अलग हिस्सों में CAA के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि CAA लागू होने के बाद लाखों लोग राज्य में प्रवेश करेंगे, जिस पर मुख्यमंत्री ने जवाब दिया कि अगर ऐसा होता है तो मैं विरोध करने वाला पहला व्यक्ति होऊंगा। बता दें कि CAA लागू होने के बाद केंद्र सरकार अब बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए प्रताड़ित गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारत की नागरिकता देना शुरू करेगी। इनमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई शामिल हैं। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।